Josh Wood. तो और शिनोबीस कैसे हो? तो यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मादारा उचिहा के कुछ अननोन फैक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है मादारा का फेवरेट फ्रेज कौन सा है? मादारा का फेवरेट फ्रेज है आर्मर स्लीव्ड सिंगल हिट, जिसका मतलब है मादारा को अपने एनिमी को एक सिंगल हिट में ख़त्म करने में ज़्यादा मज़ा आता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है मादारा ही वो बंदा है जिसने विलेज हिडन इन द लीफ को उसका नाम दिया था? जब हाशिरामा ने मादारा से पूछा कि इस विलेज का क्या नाम रखा जाए, तब मादारा ने हाशिरामा को सजेस्ट किया विलेज हिडन इन द लीफ, और जैपनीज़ में इसका नाम है कोनोहा। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है मादारा ने टेंडल के जिनचूरी के बनने से पहले ही 5 बेसिक चाक्रा नेचर को मास्टर कर लिया था, और 10 की जिनचूरी के बनते ही मादारा ने और 5 नेचर सीख लिए थे जो कि हो जाते कुल मिला के 10। और इसके अलावा मादारा सीज ऑफ द 6 पाथ की पावर्स को भी इस्तेमाल कर सकता था। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है जब ब्लैक जैतू ने मादारा को मैनिपुलेट किया था, तब मादारा ने अपना मन बना लिया था कि इस दुनिया को पीसफुल बनाने के लिए वो इन्फिनिटी सुकियोमी को मून की सरफेस पे कास्ट करेगा। तब मादारा को पता चला इसको करने के लिए उसके पास रेनेगान होना चाहिए, और रेनेगान को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास उचिहा और शेंजू दोनों का ब्लड होना चाहिए। तो मादारा ने हाशिरामा के कुछ फ्लैश को कल्टिवेट किया ताकि वो अपनी रेनेगान एक्टिवेट कर सके, और उसने की भी। सो मादारा बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू एक्टिवेट द रेनेगान, द मोस्ट पावरफुल दुजुत्सु। फैक्ट नंबर फाइव, आपको पता होगा सारे उचिहा क्लैंस के मेंबर्स फायर स्टाइल परफॉर्म कर सकते हैं, मादारा भी कर सकता है, बट इन मोर एफिशिएंट वे। बट मादारा विंड स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करता है क्योंकि मादारा को लगता है कि विंड स्टाइल उसकी पर्सनैलिटी को ज़्यादा सूट करेगा। फैक्ट नंबर सिक्स, आपको पता होगा शेडो क्लोन एक फॉरबिडन जुत्सु है जो कि तोबिरामा सेंजू ने क्रिएट किया था। अगर कोई इस टेक्निक को सीख जाए तो सामने वाला एनिमी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि कौन सा क्लोन है और कौन सा ओरिजिनल। बट मादारा प्रूव्ड हिज स्किल्स अगेन, मादारा डिफ्रेंशिएट कर सकता है एक क्लोन और एक ओरिजिनल में। फैक्ट नंबर सेवन, जब इताची और सास्के काबूतो को हरा देते हैं और उससे कहते हैं कि ये रीएनिमेशन जुत्सु बंद कर दे, तो ये मादारा को पता चल जाता है। काबूतो का कंट्रोल मादारा अपने ऊपर से हटाने के लिए एक हैंड साइन परफॉर्म करता है, जिससे काबूतो का कंट्रोल मादारा के ऊपर से हट जाता है टोटली। फैक्ट नंबर एट, मादारा ने अपना लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए आउटर पाथ के डेमोनिक स्टैचू को एज अ लाइफ सपोर्ट इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसे अपना प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई चाहिए था और उसे मिला ओबिटो। फिर उसके बाद मादारा ने अपने ऊपर से वो लाइफ सपोर्ट्स को हटा दिया था। फैक्ट नंबर नाइन, मादारा अराउंड 52 जुत्सुस को मास्टर कर चुका है, और मादारा बैटलफील्ड में अपने वेपन से फाइट करने में एक्सपर्ट है, और मादारा का फेवरेट वेपन है उसका फैन जिसका नाम है गनबाई, अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया हो तो। इसके यूज़ से मादारा किसी भी अटैक को रोक सकता है और उसको रीडायरेक्ट भी कर सकता है, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसके यूज़ से मादारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड स्टाइल जुत्सुस को परफॉर्म कर सकता है। फैक्ट नंबर टेन, मादारा जिसे सबसे ज़्यादा एडमायर करता है वो है हाशिरामा शेंजू, और जिसे सबसे ज़्यादा वो हेट करता है वो भी है हाशिरामा शेंजू। मादारा और हाशिरामा बचपन से दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों को ही लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं था। दोनों को ही एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर वो अपने भाइयों के साथ पीसफुली रह सकें और जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए मादारा हाशिरामा को इतना एडमायर करता है या फिर पसंद करता है। पर जब मादारा को ब्लैक जेत्सु ने मैनिपुलेट किया था, तब मादारा के मन में हाशिरामा के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड पैदा हो गया था, इसलिए मादारा हाशिरामा को बहुत ज़्यादा हेट करता है। इसीलिए मादारा हाशिरामा को बहुत ज़्यादा पसंद भी करता है और हेट भी करता है एट द सेम टाइम।
सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आप आपके आइडियाज़ भी बता सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।